नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। चंपावत जिले में दो विधानसभा सीट है, एक चंपावत और दूसरी लोहाघाट। आइए लोहाघाट के चुनावी समीकरण और टिकट के दावेदारों की आज बात करते हैं। लोहाघाट सीट पिछले 10 साल से भाजपा के पास है। यहाँ पूर्ण फर्तियाल विधायक है, लेकिन इस बार उनके सामने बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। नंबर एक, भाजपा में ही नरेंद्र लडवाल और सतीश पांडे ने दावेदारी पेश कर उनको संकट में डाल दिया है। और नंबर दो बात यह हो गई है कि शिक्षक नेता मयंक पुनेठा ने दावेदारी पेश कर उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब पहले मयंक पुनेठा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद लोहावती नदी के किनारे पर बसे लोहाघाट के चुनावी इतिहास की बात करेंगे। मयंक भाजपा के दो बार के विधायक रहे केसी पुनेठा के बेटे हैं और उनका कहना है कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, बीजेपी संगठन से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए टिकट पर मेरा हक बनता है। मयंक दावा कर रहे हैं कि शिक्षक और कर्मचारी संगठन उनके साथ है, इसलिए मेरी दावेदारी और भी अधिक पक्की हो जाती है। अब मयंक पुनेठा को भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस सीट के बारे में थोड़ा सा जाने तो यहाँ पर पिछले दो चुनाव लगातार भाजपा जीत रही है। 2002 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह महरा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2007 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह मेहरा ने 15,433 मतों के साथ भाजपा के केसी पुनेठा को हराया। 2012 में भाजपा के पूर्ण सिंह फर्तियाल ने 30,429 वोट से कांग्रेस के महेंद्र सिंह मेहरा को हराया। इसके बाद पिछले चुनाव में 2017 में भी पूर्ण सिंह फर्तियाल ने कांग्रेस के खुशहाल सिंह को मात्र 148 वोट से हराया था। इस तरह से पिछली बार मोदी लहर में भी पूरण सिंह फर्तियाल बस हारते हारते जीते हैं, इसीलिए यहां पर उनकी राह मुश्किल है। वैसे कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो चंपावत सीट से जरूर 9 लोगों ने टिकट का दावा किया है, लेकिन लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी और प्रशांत वर्मा ने टिकट की दावेदारी पेश की है। अब देखते हैं दोनों पार्टियां यहां से किसको टिकट देती है और लोहाघाट के लोग तीसरी बार भी भाजपा को चुनते हैं या कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं। यह तो चुनाव परिणाम ही बता पाएगा, जिसका इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।